नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संविधान चौक में लोकाधिकार मंच द्वारा निकाली गई रैली के बारे में विश्व हिंदू परिषद के गोविंद शेंडे इन्होंने जानकारी दी। लोकाधिकार मंच द्वारा आज इस समर्थन में आज तकरीबन 50 से 60 हजार के आसपास यहां पे बहुत ज्यादा लोग जमा हुए थे संविधान चौक पे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते इस विशाल रैली में लोगों को क्यों आना पड़ा और सीएए कितना महत्वपूर्ण है आज के इस कार्यक्रम को लेकर, आइए हम जाना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के गोविंद शेंडे जी हमारे साथ में। गोविंद जी, ये बताइए कि इस तरह का आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि इस देश के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से एक भ्रम का वातावरण कुछ लोगों के द्वारा निर्माण करने का प्रयत्न किया, उसे लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं निर्माण हुई और जिन्होंने भ्रम निर्माण करने का प्रयत्न किया उन्होंने न उस कानून को पढ़ा है, न उस कानून को समझा है, न उसकी बारीकियों को जाना है। और इसलिए ऐसा लगा कि भाई लोगों के बीच में इस बात को स्पष्ट करते हुए कुछ लोग इस देश के अंदर जिस प्रकार का भ्रम का और इस कानून के विरुद्ध एक वातावरण बना करके और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो सज्जन शक्ति है वो घर के अंदर बैठ के मूक दर्शक बन करके इसको देख रही थी और अराजक तत्व जो है सड़क पर उतर करके नंगा नाच कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि सज्जन शक्ति को सड़क पर निकाल करके और ये सरकार का अभिनंदन करना चाहिए कि जिन्होंने इस कानून को बनाया, इस कानून के माध्यम से उन सारे लोगों को जो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में अभी तक बस रहे थे उनको इस देश की नागरिकता देने का जो एक अच्छा संकल्प इस देश ने किया है उसका समर्थन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और जो जो इस प्रकार की अराजक शक्तियां जो इस सड़क के ऊपर उतरी हुई है उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और इसलिए आज हमने देखा कि नागपुर के शहर के अंदर मात्र 3 दिन की तैयारी के अंदर और आपने जैसा कहा कि 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर उपस्थित थे, इस प्रकार का यह राष्ट्रभक्त नागरिकों का यह सम्मेलन था और उन्होंने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके और अराजक तत्वों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आखिरकार ऐसा क्यों होता कि ये जब ये ऐसे कलम आती है कुछ बातचीत होती है तो मुसलमानों में एक घबराहट सी क्यों होती है, क्यों आप डराते हो? उनके जो नेता है वो उनको डराते हैं, आम मुसलमान डरता नहीं है। आम मुसलमान सहजता के साथ में जीना चाहता है क्योंकि रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार को पालना चाहता है, लेकिन उनके जो काजी मुल्ला जो हैं वो उनको डराते हैं। इस कानून के माध्यम से उन्होंने डराने के प्रयत्न किए कि आपको यहाँ भगा देंगे, निकाल देंगे, आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है, जो भी मुसलमान यहाँ रहता है उसको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। यह नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, यह नागरिकता देने का बिल है, इसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गोसाव साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कानून बनाया है इसकी तह में जाना पड़ेगा, पिछले 70 वर्ष पीछे हमें जाना पड़ेगा। जिस प्रकार धर्म के नाम पर कांग्रेस ने अपनी सत्ता के लिए इस देश का बंटवारा किया, वहाँ से जो हिंदू भाई बहन यहाँ पर में आए पार्टीशन के समय पे, तब वहाँ लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया, बेकसूरों को मारा गया, माता बहनों के गुप्तांगों में तलवारें डाली गई, वक्ष स्थल काटे गए, छोटे दूध में बच्चों को वहाँ मारा गया, जिसके बाद भी यहाँ पे हिंदू अपने आप रह रहा था, खुद कमा रहा था, खुद कहा रहा था। ये बताइए कि सीए कितना महत्वपूर्ण है? सीए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 70 साल से जो लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी यहाँ पर में, उन लोगों को नागरिकता दी जाएंगी क्योंकि यहाँ पर में वह उन देशों के अंदर में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, इसलिए यहाँ पे आकर के उनको नागरिकता दी जाएंगी हिंदुओं को। इसलिए है ना कि मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम वहाँ माइनॉरिटी में नहीं है, यहाँ पर में हिंदू वहाँ पर में हिंदू माइनॉरिटी में, इसलिए इनको नागरिकता दी जाएंगी, इसलिए कानून यह बहुत जरूरी था। आप हमारे टीवी चैनल के तमाम दर्शकों को क्या आश्वस्त करना चाहोगे? सभी जो दर्शक हैं, नागरिक हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारीकियों को समझें, पढ़ें और जो भ्रम का वातावरण निर्माण कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें। छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, टेबल टॉक के माध्यम से और इस विषय को लेकर के और अच्छा एक वातावरण देश के अंदर बनाए। बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा विधेयक है और यह राष्ट्रहित में यह निर्णय है और जो शरणार्थी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं उनके हित में यह निर्णय। तो आप थे विश्व हिंदू परिषद के गोविंद शेंडे जी, जिन्होंने बखूबी और बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि जिस प्रकार से ये सीए का बिल हो या अन्य बिल हो, ये मुस्लिमों के कतई ही विरोध में नहीं है, ये देशभक्ति का काम है और ये देश के नागरिकता का काम है और किसी भी मुसलमानों को डराया धमकाया नहीं जा रहा है बिला वजह। आज के तारीख में जिस अफवाह का बाजार कर रहा है, कोई भी अफवाह पर इस प्रकार के ध्यान न दे, जो हकीकत है, जो सच्चाई है उसी के और ध्यान दे, क्योंकि ये जो नागरिकता का बिल है ये सभी धर्म खासतौर पर मुस्लिम लोगों के खिलाफ
खिलाफ नहीं है तो बल्कि मुस्लिम लोगों के लिए, अच्छे के लिए, देश के भलाई के लिए, क्योंकि देश को आज़ादी देने में जिस प्रकार से तमाम धर्म धर्मियों ने काम किया है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और भी जो धर्म के लोग हैं, जाति पंथ के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें मुस्लिम के साथ में कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, ऐसा यह विश्व हिंदू परिषद के गोविंद शेंडे जी इन्होंने कहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतन के हिंदुस्तान हमारा। क्या मेरा संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।